हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक ग्रो एप्लीकेशन यूजर हैं या फिर आप अपना अकाउंट ग्रो पे ओपन करवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए या फिर इक्विटी सेगमेंट में इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको वहां पर कितने चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर पड़ने वाले सभी चार्जेस पहले डिस्क्राइब करके बताऊंगा और उसके बाद मैं ग्रो एप्लीकेशन का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसका यूज करके आपको दिखाऊंगा कि अगर आप कोई भी शेयर ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर 10,000 रुपए में मान लीजिए खरीदते हैं, फिर उसे 11,000 रुपए में सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि प्रॉफिट आपका पूरा 1,000 रुपए का हुआ है, बट यहाँ पर आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो उस ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको वहां पर नेट कितना प्रॉफिट होने वाला है और आपको वहां पर कितना नेट चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या फिर इससे आपकी कोई भी हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इक्विटी सेगमेंट में डिलीवरी में बाय करने वाले हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करवाने का कई ब्रोकर आपसे चार्ज लेते हैं, बट अगर मैं ग्रो एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो आपकी पूरी 0 रुपीज है। अभी अगर अकाउंट हमारा ओपन हो जाता है तब कई सारे ब्रोकर्स हमसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस लेते हैं। अगर मैं ग्रो एप्लीकेशन की बात करूं तो ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर आपको अकाउंट मेंटेनेंस फीस के नाम पे कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, यानी कि जो यहाँ पर आपका चार्ज जाएगा वो पूरा का पूरा 0 रुपीज आने वाला है पूरी लाइफ टाइम के लिए। अभी हमने अकाउंट ओपनिंग फीस की बात कर ली और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर ली, अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करने। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि ग्रो एप्लीकेशन पे म्यूचुअल फंड पे भी आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 0 रुपीज का चार्ज लेता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको वहां पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट वो चार्ज ग्रो एप्लीकेशन नहीं लेता है। वो चार्जेस होते हैं आपके एक्सपेंस रेशियो या फिर एग्जिट लोड। उन चार्जेस के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट ग्रो एप्लीकेशन आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 1 भी रुपया नहीं लेता है। अभी चलते हैं हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर स्टॉक्स में ट्रेड करने। जब हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, यानी कि मैं इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहा हूं, तो जब आप इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि शेयर्स को डिलीवरी में बाय करते हैं तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की। तो जब आप ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तब आपको ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है वो है आपका ब्रोकरेज, और जो ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है वो है 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी कंपनी के शेयर 10,000 रुपीज के बाय कर रहे हो, तो वहां पर आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा एज एन ब्रोकरेज वो होगा आपका 0.05%। तो अगर आप 10,000 रुपीज का 0.05% निकालेंगे आंसर आएगा आपका 5 रुपीज। तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप 10,000 की बजाय 1,00,000 रुपीज के शेयर बाय कर रहे हैं, तब अगर आप उसका 0.05% निकालोगे आपका आंसर आएगा 50 रुपीज, यानी कि वहां पर आपको 50 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर जो मैक्सिमम ब्रोकरेज अप्लाई होगा वो 20 रुपीज ही अप्लाई होगा, इसीलिए वहां पर 50 रुपए के बजाय आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो डिलीवरी के केस में जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो होगा आपका 0.05% और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे सिर्फ 20 रुपीज लिए जाएंगे पर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन का भी मैं मतलब बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी जब मैं और चार्जेस बताऊंगा तो वहां पर भी मैं पर ट्रांजेक्शन का यूज करूंगा। पर ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि आपने कोई भी एक बाय ऑर्डर लगाया तो वो सारे शेयर आपके बाय हो जाएंगे। तो जब आपने वहां पर बाय किया तब आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद अगर आप उन्हीं शेयर को मान लीजिए सेल कर देते हो, चाहे प्रॉफिट में सेल करो चाहे घाटे में सेल करो, तब आपको वहां पर दोबारा से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो जितनी बार आपका कोई भी एक नया ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उतनी बार आपको वहां पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको डिलीवरी के केस में एसटीटी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज टर्नओवर फीस और सेबी चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं,
जो कि आपको ये चार्जेस अदर ब्रोकर्स पे भी पे करने पड़ते हैं। इन चार्जेस को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इन चार्जेस के अलावा जब आप अपने डिलीवरी के शेयर्स को सेल करने जाते हो तब आपको वहां पर पे करना होता है डीपी चार्ज, और ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर जो आपको डीपी चार्ज पे करना होगा वो है आपका 13.5 रुपीस प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट, जो कि निकल के आता है आपका 15.93 रुपीस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 रुपीस, और ये आपका पर स्क्रिप्ट अप्लाई होता है। पर स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से मान लीजिए किसी एक कंपनी का शेयर सेल कर रहे हैं तब आपको वहां पर डीपी चार्ज जो पे करना पड़ेगा 15.93 रुपीस पे करना पड़ेगा, यानी कि करीबन 16 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से उसी दिन किसी तीन कंपनी के शेयर सेल करते हैं तब आपको वहां पर 16 × 3 यानी कि 48 रुपीज का डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपके ऊपर डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग में जो चार्जेस अप्लाई होते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है वो है आपका ब्रोकरेज, और इक्विटी सेगमेंट में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर भी जो आपका ब्रोकरेज अप्लाई होता है वो डिलीवरी की तरह ही 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज अप्लाई होता है पर ट्रांजेक्शन। तो जितनी बार भी आप इंट्राडे का कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको वहां पर ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी आपको एसटीटी चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, सेवी चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चार्जेस पे करने होते हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब आपको अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। अगर आप 3:20 से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपने इंट्राडे में अगर बाय किया है तो आपको उसे 3:20 से पहले सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने सबसे पहले सेल किया है जो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में कर सकते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, तो उसे आपको 3:20 से पहले बाय करना पड़ेगा। तो अगर आप 3:20 से पहले अपनी ओपन पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं तब आपको यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर जो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस अप्लाई होते हैं वो है आपका 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर पोजीशन, जो कि निकल के आता है 59 रुपीज पर पोजीशन। यानी कि अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है और वहां पर सिर्फ एक कंपनी की पोजीशन आपकी ओपन पड़ी है तो जब वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होगी तो आपको वहां पर 59 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने दो कंपनीज की पोजीशन बना रखी है और अगर वो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं तब आपको वहां पर 118 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इन चार्जेस से तो आप बच सकते हैं अगर आप अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले ही स्क्वायर ऑफ कर लें। अभी बात करते हैं हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के चार्जेस की। यहाँ पर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज आपको पे करना होता है वो होता है आपका ब्रोकरेज, और ग्रो एप्लीकेशन आपसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने का जो ब्रोकरेज अप्लाई करता है वो है फ्लैट 20 रुपीज, यानी कि जब आप फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में कोई भी एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा 20 रुपए वहां पर ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये भी आपका पर ट्रांजेक्शन अप्लाई होता है, मतलब कि अगर आप ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो मान लीजिए तो यहाँ पर आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपनी पोजीशंस को जब आप स्क्वायर ऑफ करोगे यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया था उसे जब आप सेल करोगे तब आपको फिर से 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो टोटल ब्रोकरेज जो आपका यहाँ पर अप्लाई होगा वो होगा आपका 40 रुपीज, 20 रुपीज बाय के टाइम का और 20 रुपीज आपके सेल के टाइम का। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ग्रो एप्लीकेशन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके देखते हैं कि अगर हम लोग डिलीवरी के केस में एक शेयर बाय करेंगे तब हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, जब हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे तब हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, जब हम ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में एक ट्रांजेक्शन करते हैं मान लीजिए 10,000 रुपए के ऑप्शंस बाय करते हैं तब हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, और हमें कितना नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर, एंड यहाँ पर हम लोग अपने चार्जेस कैलकुलेट करने वाले हैं। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप भी अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए हमने इक्विटी डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि अभी जो हम फिलहाल शेयर्स बाय कर रहे हैं वो डिलीवरी में बाय कर रहे हैं। क्वांटिटी हमने 1 फिल कर ली है, बाय प्राइस पर शेयर हमने 10,000 फिल कर लिया है, यानी कि ओवरऑल जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो अभी 10,000 रुपये का है। तो टोटल हम 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं कुछ शेयर बाय करने के लिए, फिर हम उसे सेल कर रहे हैं मान लीजिए 11,000 रुपये में, तो हमारा जो टोटल टर्नओवर निकल के आता है वो है हमारा 21,000 रुपये का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो वो होता है हमें 1,000 रुपीज का, एंड यहाँ पर हमें चार्जेस जो पे करने पड़ेंगे वो 35.76 रुपीज चार्ज पे करना पड़ेगा। ये जो ग्रो चार्जेस लिखे हैं यही है हमारा ब्रोकरेज, तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 10.50 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ा। एंड ये जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो हैं आपके एसटीटी चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी। तो जो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है वो है 964.24 पैसा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप डिलीवरी के अपने शेयर्स को सेल करते हो
तब आपको डीपी चार्ज भी पे करना होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। तो यहाँ पर आपको 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि आपका था 15 रुपीज़ 93 पैसा। तो 964 रुपीज़ 24 पैसा में से हम माइनस कर देते हैं 15 रुपीज़ 93 पैसा, आंसर आता है हमारा 948 रुपीज़ 31 पैसा। तो जो आपको डीपी चार्ज हटा के जो नेट प्रॉफिट होने वाला है डिलीवरी के केस में, वो होगा 948 रुपीज़ 31 पैसा। अभी दोस्तों हम लोग इक्विटी इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो ऊपर से हम लोग इक्विटी इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन की वैल्यू हम वही रखते हैं। एंड यहाँ पर आप इंट्राडे में देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है करीबन 1000 रुपये का, और जो आपको यहाँ पर चार्ज जाएगा वो जाएगा 16 रुपीज़ 56 पैसा। तो जो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट होने वाला है वो है आपका 983 रुपीज़ 44 पैसा। अभी हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एफ एंड ओ को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्यूचर्स का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्यूचर सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमने 10,000 फिल कर रखा है, बट फ्यूचर में जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का होता है, तो 1 लाख हम इसको कर देते हैं। फिर इसे मान लीजिए आप 1,10,000 में सेल कर रहे हो, तो 1,10,000 इसको हमने सेलिंग प्राइस कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होना चाहिए 10,000 रुपीज़ का, बट जो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा वो होगा आपका 65 रुपीज़ 40 पैसा। तो जो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो होगा आपका 9,934 रुपीज़ 60 पैसा। अभी अगर आपको ऑप्शंस के अपने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं तो इस फ्यूचर के ऊपर आप क्लिक करिएगा, ये ऑप्शंस में चेंज हो जाएगा। एंड क्वांटिटी हम यहाँ पर 1 रहने देते हैं। बाय प्राइस को हम 1 लाख की जगह वापस से 10,000 कर देते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए बिगनर्स हैं, वो करीबन 10,000 या फिर 15,000 के आसपास का ही ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेड करते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लगेगा कि आपका प्रॉफिट 1,000 रुपये का हुआ है, बट यहाँ पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 66 रुपीज़ 66 पैसा। यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो है आपका 933 रुपीज़ 34 पैसा। तो इस तरीके से आप अपने डिलीवरी के, इंट्राडे के और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, यही वो सारे चार्जेस हैं जो आपके ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। अभी अगर आपको अपना ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।